अंशकालिक अनुदेशक सुनवाई में क्यों लगाई अंडर सेक्रेटरी की हाईकोर्ट ने जमकर फटकार, जाने पूरा मामला, किसने लगाया है आरोप, ये खेल सारा सरकार की तरफ से हो रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुदेशक न्यूज़ में। आज की खास बड़ी दो रिपोर्ट्स के साथ हम लेकर हाजिर हैं। ये वीडियो को अंत तक देखें, जाने क्या है पूरा मामला। अनुदेशक मानदेय 17,000 को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारी को फटकार लगाई। 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उच्च प्राथमिक अनुशकालिक अनुदेशकों में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय 17,000 को लेकर 24 तारीख को सुनवाई की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारी की फटकार लगाई है। आदेश को लेकर राज्य सरकार द्वारा विशेष अपील पर मंगलवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष पक्ष रखने हुए अंडर सेक्रेटरी को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। अंडर सेक्रेटरी कोर्ट के समक्ष बगैर किसी कागजात के पहुंचे थे। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आप संगम घूमने आए थे, कितने टूर मिले हैं आपको। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि इन्हें आने जाने का सरकार कोई भत्ता नहीं देगी। इसके साथ ही अंडर सेक्रेटरी आज के दिन अवकाश पर रहेंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक फ्लाइट लेट हो जाने के चलते अंडर सेक्रेटरी कोर्ट देरी से पहुंचे। कोर्ट ने अंडर सेक्रेटरी के इंतजार के लिए 10 मिनट का समय भी दिया। दरअसल अनुदेशक की ओर से अधिवक्ता दुर्गा तिवारी और अधिवक्ता एचएन सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत में भी मामले में बहस पूरी नहीं हो सकी, जिसके लिए कोर्ट ने अगली तारीख 11 जुलाई दी है। 11 जुलाई को अब सुनवाई की जाएगी। प्रदेश के लगभग 30,000 अनुदेशकों का मानदेय 2017 में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया था। इसे यूपी सरकार ने लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है सरकार पर। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनुदेशक ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। इस पर 3 जुलाई 2019 जस्टिस राजेश चौहान की सिंगल बेंच ने अनुदेशकों को 2017 से 17,000 रुपये 9% ब्याज के देने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपील दाखिल की थी। इस पर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीज़न की बेंच सुनवाई कर रही है। अब मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को सुबह 11:30 बजे होगी। इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि डॉक्टर ए पी सिंह साहब मौजूद रहेंगे, भले वो व्यक्तिगत तौर से ऑनलाइन जुड़ें या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच कर जुड़ें। अगर अनुदेशक चाहेंगे तो वो इलाहाबाद जाकर ही इस केस की पैरवी करें, इसमें ही ज़्यादा भलाई है साथियों। क्योंकि जिस तरीके से सरकार बहानेबाजी कर रही है, टाल मटोल कर रही है, समय को बढ़ा रही है, तारीख पे तारीख मिल रही हैं, ऐसे लगता है कि अनुदेशकों के मामले को टाला जा रहा है। अब इस पर एक साथ होकर, एकता से सारे लीडर होकर एक तभी पैरवी करें अनुदेशक मामले को, तो विजय प्राप्त होगी। अपनी ढपली और अपना राग बंद करना पड़ेगा। एक सुर में, एक ताल में, एक आवाज़ बुलंद करनी होगी। डॉक्टर ए पी सिंह साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा, उनके पद चिन्हों पर चलना होगा और उन्हें साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि वो एक अनुभवी महाधिवक्ता हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।